हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ करिकुलम। तो इस विषय में अर्थात पाठ्यक्रम निर्माण के विषय में कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम का संगठन भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है। विभिन्न दृष्टिकोणों के कारण ही विद्वानों ने पाठ्यक्रम के अनेक प्रतिमान विकसित किए हैं। इसी आधार पर पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें मुख्य प्रकारों के विषय में सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि पाठ्यक्रम के मुख्य टाइप्स हैं, वह चार हैं। सबसे पहला जिसके अंतर्गत आता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सेकेंड पॉइंट पर आता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, थर्ड पॉइंट पर आता है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम तथा फोर्थ पॉइंट पर आता है पूर्व पाठ्यक्रम। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम अनेक प्रकार का होता है, जिसमें जो है शिक्षा से संबंधित सभी अभ्यास आते हैं या एक्सपीरियंस आते हैं। इस विषय में ये परिभाषा उचित ही है कि करिकुलम इज द सम ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस दैट चिल्ड्रेन हैव इन स्कूल, अर्थात पाठ्यक्रम उन शैक्षिक अनुभवों का योग है जिनको बालक विद्यालय में प्राप्त करता है। अथवा ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के नियंत्रण में सीखने वाले के सभी अनुभव सम्मिलित हैं। यह पाठ्य वस्तु, पाठ्य पुस्तक, यहाँ तक कि अध्ययन विषय से अधिक है। पाठ्यक्रम संपूर्ण स्थिति तथा स्थितियों का समूह है जो अध्यापक तथा विद्यालय प्रशासक को प्राप्त होता है। इसके द्वारा विद्यालय के दरवाजे से गुजरने वाले बालकों एवं युवकों के आचरण में परिवर्तन आता है। इसी आधार पर पाठ्यक्रम के जो प्रकार हैं, एक एक करके उसके विषय में हम बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट इसके अंतर्गत आता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित एवं संगठित किया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विषयों के ज्ञान को पृथक पृथक रूप में प्रदान करना होता है। इस पाठ्यक्रम का सूत्रपात प्राचीन ग्रीस तथा रोम के विद्यालयों में हुआ। इसमें सभी विषयों के ज्ञान को अलग अलग निश्चित कर लिया जाता है तथा उसी के अनुसार पुस्तकें तैयार कर ली जाती हैं। इन्हीं पुस्तकों से बालक विभिन्न विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर अधिक बल दिया जाने के कारण इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। इसमें बालकों की अपेक्षा विषय ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु पहले से ही निश्चित होने के कारण विषय को यही मालूम होता है, यानी जो शिक्षक है विषय यानी छात्र है और जो पढ़ाने वाला है अध्येता यानी कि शिक्षक को यही मालूम होता है कि उसे क्या क्या पढ़ना है तथा विद्यार्थी भी ये जानते हैं या जान सकते हैं कि उन्हें क्या क्या पढ़ना है। इसमें निश्चित पाठ्य वस्तु में से ही विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाती है तथा इस मूल्यांकन से ये ज्ञान हो जाता है कि बालक ने कितना सीखा है अर्थात उसकी उपलब्धि क्या रही है। हमारे देश में इस विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का ही प्रचलन है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम की अपनी अनेक विशेषताएं हैं, किंतु ये पाठ्यक्रम कई तरह की कमियों से भी युक्त है। इसलिए हम इसके जो पाठ्यक्रम केंद्रित यानी कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की गुण देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, ये परंपरागत ज्ञान को बढ़ाने का सुविधाजनक एवं सबसे अच्छा साधन है, जिससे विद्यार्थियों ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ उसे सुदृढ़ करने तथा जीवन को विभिन्न स्थितियों में प्रभावी रूप से युक्त कर सकने की सुविधा प्राप्त होती है। इस प्रकार से संगठन के जो है पाठ्यक्रम से संबंधित सभी पक्ष, शिक्षक, छात्र, विषय विशेषज्ञ, अभिभावक, सामान्य नागरिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता आदि भांति भांति परिचित होते हैं। अतः ये सभी पाठ्यक्रम नियोजन, संवर्धन एवं संशोधन आदि हेतु उचित सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इसकी सीमाएं देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, ये अपेक्षित व्यवहार उद्देश्यों का के लिए जो है सीमित कर देता है। इसमें ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाने से इसका समुचित उपयोग कर पाना कठिन होता है। जैसे कि मान लीजिए ज्ञान प्रदान किसी विषय से संबंधित कर दिया जाता है तो एक साल के लिए जो एक कक्षा में छोटा सा पार्ट होता है, सेकंड क्लास में दूसरा पार्ट होता है, थर्ड
नीतीश का पाठ होता है और वो भी जो टॉपिक्स होते हैं उसके अंतर्गत दिया जाता है, इससे कि संपूर्ण ज्ञान एक बार में किसी भी विद्यार्थी को नहीं दिया जा सकता। इससे विद्यार्थियों को अध्ययन विषयों के प्रति अधिक निष्ठावान होने की अपेक्षा रहती है, इसमें लचीला एवं कल्पनापूर्ण शिक्षा संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्लासिकल करिकुलम अर्थात परंपरा का शास्त्रीय पाठ्यक्रम। यह पाठ्यक्रम शिक्षा के प्रति पाठ्यक्रम यानी कि जो है कौन सा वाला बताया गया है क्लासिकल करिकुलम परंपरा का दृष्टिकोण रखता है। इसमें आध्यात्मिक एवं नैतिक जीवन के विकास पर बल दिया जाता है। प्राचीन यूनान के स्कूलों तथा भारतीय गुरुकुलों ने शास्त्रीय पाठ्यक्रम का सुशोभित किया। इसके अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं दर्शन ज्योतिष गणित व्याकरण और अध्यात्म शास्त्र धर्मशास्त्र आदि विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का ही एक रूप है। वर्तमान समय के जो है सामान्य स्कूल में यानी इंटरनल स्कूल्स में इस पाठ्यक्रम की कोई उपयोगिता नहीं मानी जा रही है। कुछ विशिष्ट विद्यालयों जैसे कि गुरुकुलों संस्कृत पाठशालाओं आदि मदरसों आदि में इस पाठ्यक्रम के कार्यक्रम का अभी भी प्रचलन है, किंतु दिन प्रतिदिन इसकी उपयुक्तता पर प्रश्न लगता जा रहा है तथा इस पाठ्यक्रम का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पाठ्यक्रम के संगठन की दृष्टि से अब इसका महत्व भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। शिक्षा में बढ़ती हुई मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में विषय केंद्रित शिक्षा का स्थान बाल केंद्रित शिक्षा ने ले लिया है। अतः पाठ्यक्रम का आयोजन भी बालक को केंद्र मानकर किया जाने लगा है। ये पाठ्यक्रम उपयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम के विषय को महत्व न देकर बालकों के को जो है महत्व दिया जाता है, केंद्रबिंदु बालक को माना जाता है। पाठ्यक्रम का संगठन बालक की प्रकृति आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर किया जाता है। इससे उसके व्यक्ति का इनकी व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का सुपरवाइज जॉन ड्यूई के लेबोरेटरी स्कूल से हुआ। जेम्स एम ली ने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्ण और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित है। स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम इज वन विच इज कंप्लीटली एंड होली रूटेड इन द लर्नर। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इससे संबंधित, और इसको ध्यान रखना चाहिए कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णता और समग्र रूप में सीखने वाले में निहित है। स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम इज वन विच इज कंप्लीटली एंड होली रूटेड इन द लर्नर। अब हम देखेंगे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। इस पाठ्यक्रम में बालकों की परिवर्तित आवश्यकता में रुचियों अभिरुचियों संवेगों आदि को आधार बनाया जाता है। ये पाठ्यक्रम क्रियात्मक अर्थात फंक्शनल होता है। ये विद्यार्थियों को दृढ़ संकल्प अनुभव प्रदान करता है। ये बालकों पर सीखने का उत्तरदायित्व भी डालता है। इसके अलावा मनोविज्ञान इस बात पर बल देता है कि यदि बालक की रुचि एवं आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उनका समुचित विकास नहीं हो सकेगा। अतः ये पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आधुनिक शिक्षण पद्धतियों जैसे कि मॉन्टेसरी पद्धति किंडरगार्टन पद्धति का आधार बालक केंद्रित पाठ्यक्रम ही है। ये पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा फिलॉसफी ऑफ एक्सपेरिमेंटलिज्म पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम अर्थात क्रिया प्रधान प्रवृत्ति प्रधान अथवा अनुभव आधारित पाठ्यक्रम। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम व्याप्त कार्य को आधार ये बना लेता है। इसके अंतर्गत कक्षा कार्य के लिए अंतर्वस्तु का चयन करना होता है या अंतर्वस्तु का चयन शिक्षार्थियों की अभिरुचियों आवश्यकताओं समस्याओं तथा अनुभवों के आधार पर किया जाता है। ये पाठ्यक्रम परंपरागत रूप से आधारित पाठ्यक्रम की प्रक्रिया के परिणाम को प्रकाश में आया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका सुपात प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पैथोलॉजी तथा रूसों ने किया था, किंतु इसके वास्तविक प्रणेता प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान शिक्षाविद जॉन डी भी थे।
दीवी ने जो शिक्षा योजना अपने प्रयोगात्मक विद्यालय यानी लेबोरेटरी स्कूल में क्रियान्वित की, उसे विषय या वस्तु पर आधारित करने के स्थान पर उसने बालकों की चार प्रमुख प्रवृत्तियों को व्यक्ति के अवसर प्रदान किए गए हैं। ये चार प्रवृत्तियाँ जो है इस प्रकार से हैं, सामाजिक यानी सोशल, रचनात्मक क्रिएटिव, गवेषणात्मक एवं प्रयोगात्मक यानी कि इन्वेंटिव, तथा अभिव्यक्ति जन्य तथा कलात्मक एक्सप्रेसिव और आर्टिस्टिक। सन 1930 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इस दिशा में विशेष प्रयास प्रारंभ हुए। इस प्रयास को एच जी के स्वेल ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें हार्वर्ड स्पेंसर तथा सदभाग पांच जीवन क्षेत्रों आत्मरक्षा, जीवन सुरक्षा, वंश वृद्धि एवं शिशुपालन, सामाजिक एवं राजनीतिक अवकाश के सदुपयोग या उपयोग से प्रेरणा लेकर वो जीवन क्षेत्रों का चयन किया गया जो इस प्रकार से हैं, जीवन एवं स्वास्थ्य संरक्षण, जीवन एवं स्वास्थ्य संरक्षण, जीवन गति की प्राप्ति, परिवार की व्यवस्था, धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति, सौंदर्य बोधात्मक इच्छा की संतुष्टि, शिक्षा प्राप्ति, सामाजिक तथा नागरिक जीवन में सहयोग, मनोरंजन, भौतिक स्थितियों में सुधार इत्यादि। प्रथम सामाजिक प्राणी के रूप में मानव की क्रियाओं के महत्वपूर्ण पक्षों के चयन पर आधारित उपागम, द्वितीय वर्तमान समाज की प्रमुख तथा शीघ्र समाधान योग्य समस्याओं के चयन पर आधारित उपागम। इस प्रकार शिक्षा प्रदान पाठ्यक्रम में बालकों के लिए ऐसे कार्यों के लिए जो आयोजन किया जाता है जिनका कुछ सामाजिक मूल्य हो, तथा जो उनके जो बालक हैं उनके सर्वांगीण विकास में यानी उन्हें ऑलराउंडर बनाने में सहायक हों, इन कार्यों का चुनाव शिक्षक और छात्रों के पास प्रत्याशी से किया जाता है, तथा इसमें छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। टीवी महोदय क्रियाशील पाठ्यक्रम के प्रमुख समर्थक थे। उन्होंने बालकों को ऐसे कार्यों तथा शिक्षा देने का सुझाव दिया जिनके सीखने पर ये भविष्य में समाज उपयोगी यानी कि समाज के लिए उपयोगी कार्य करने के लिए तैयार हो जाए, अर्थात योग्य बन सके। डीवी महोदय के अनुसार ज्ञान क्रिया का परिणाम है कि उसका मार्गदर्शक। उनका कहना है कि क्रिया अथवा कार्य ही ज्ञान के स्रोत हैं। क्रिया अनुभव से पूर्ण होती है, अतः अनुभव, ज्ञान एवं अनुभव आदि सभी क्रिया के परिणाम हैं। इस प्रकार डीवी ज्ञान एवं अनुभव में कोई विशेष अंतर नहीं मानते। उनका मानना था कि ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है तथा अनुभव क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इस पाठ्यक्रम को अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम यानी कि एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम के नाम से जाना जाता है। नंद महोदय ने कहा है कि पाठ्यक्रम के समस्त मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित करना चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यक्तित्व के विकास के लिए तथा सफल जीवन के लिए वर्तमान अनुभवों के साथ साथ पूर्व अनुभव भी बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। तो आज के लिए जो पॉइंट हमने लिए थे वे इस प्रकार से थे। पहला पॉइंट था, पहले तो हमने देख लिए थे कि चार मुख्य प्रकार हैं पाठ्यक्रम के, जिनको इस रूप में भी देख सकते हैं। पाठ्यक्रम के प्रकार विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम एवं कोर्स कार्यक्रम, कोर का पाठ्यक्रम अर्थात कैरिकुलम, कोर कैरिकुलम। इसके अलावा जो हमने सामान्य पाठ्यक्रम के प्रकार देखे वे पॉइंट वाइज इस प्रकार हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम, क्लासिकल कैरिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम अर्थात क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो शेष रह गए हैं उन प्रकार के विषय में जानेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।